लेकिन इन्होंने सिद्धार्थनगर के डेवलपमेंट के लिए इस तराई के पूर्वांचल के उन लोगों जिनको अवसर नहीं मिलता था उनको अवसर देने का काम कर रहे हैं। कोटसा साधुवाद, इनको बधाई। सिद्धार्थनगर जिले में 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाली विभिन्न खेल प्रतियोगिता का समापन रविवार को किया गया। नेक्स्ट जन स्पोर्ट्स क्लब सिद्धार्थनगर के बैनर तले आयोजित इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन, बॉक्स, क्रिकेट, टेबल टेनिस, कबड्डी, कराटे, बॉक्सिंग सहित दर्जनों इंडोर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रविवार को स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने विजयी खिलाड़ी को ट्रॉफी देकर उनका उत्साह वर्धन किया। आपको बताते चले कि नेक्स्ट जन स्पोर्ट्स क्लब सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के 2 NRI भाइयों प्रशांत और अनूप श्रीवास्तव के द्वारा स्थापित किया गया। इन्होंने इस क्लब और इस प्रतियोगिता को लेकर कहा कि इस क्लब को सिद्धार्थनगर के युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने और इसमें अपना करियर बनाने के लिए बनाया गया है। वह चाहते हैं कि सिद्धार्थनगर के खेल प्रतिभा देश प्रदेश में अपना लोहा बनवाए। स्पोर्ट्स सर्जन उनके लिए एक प्लेटफार्म है। इन्होंने बताया कि ये क्लब प्रतिभावना खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था करेगा। वही कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि 2 NRI भाइयों द्वारा सिद्धार्थनगर जिले में खेल को बढ़ाने के लिए की जा रही है कोशिश सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जेंस स्पोर्ट्स क्लब से सिद्धार्थनगर के युवाओं में खेल के प्रति भावना जागृत होगी, साथ ही यहां की जो प्रतिभाएं अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रही है उन्हें आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी खेल को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध और भाजपा की मौजूदा सरकार गांव-गांव में खेल को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है जिसका परिणाम भी देश को देखने को मिल रहा है। अभी आपका पूरा नाम क्या है और बाय प्रोफेशन आप क्या है और आप जो यहां पे नेक्स्ट जेन जो आपने यहां पे स्पोर्ट्स क्लब डाला है इसके पीछे मकसद क्या है? मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। हम लोग यहां पर सिद्धार्थनगर में बचपन से रहते हैं, हमारा गाँव भी यही है। हम लोग यहाँ पर पढ़ लिख कर बड़े हुए और फिर यहाँ से अभी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में जॉब करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ पर हमने हमारे फैमिली में हमारे बड़े भैया अनूप श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, हमारी वाइफ शिवानी श्रीवास्तव, इन सब के सपोर्ट से हम लोगों ने अपने मातृभूमि जन्मभूमि सिद्धार्थनगर में ये स्पोर्ट्स क्लब की शुरुआत की है। इसका मोटिव यही था कि यहाँ से जो रूट लेवल से जुड़े बच्चे हैं, जो लोकल बच्चे हैं, काफ़ी अच्छा टैलेंट है यहाँ पर, जो कि हम लोगों ने काफ़ी टाइम से देखा है पिछले 15-20 सालों में। कई लोगों को हमारे साथ खेलते हुए, कई लोग बड़े हुए हैं जो बहुत अच्छे खेलते थे लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं उन लोगों को ये चैलेंजेस ना आए, इसके लिए हम लोगों ने ये डेवलप किया और यहाँ से हम बच्चों को नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल सब तरह के प्लेटफॉर्म पर पहुँचाना चाहते हैं। तो हम इसके तहत हम लोगों ने नेक्स्ट जन फाउंडेशन की स्थापना की है जिसमें हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, वहाँ पर बच्चों को स्कॉलरशिप के थ्रू स्पॉन्सर करेंगे, ट्रेन करेंगे और यहाँ से जिस लेवल तक वो खेलना चाहेंगे, जो भी उनका स्किल सेट होगा वहाँ तक भेजेंगे। तो सुनने में आपकी स्कॉलरशिप वगैरह की भी बातें आ रही हैं, क्या क्या है? जी, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर हम कई बच्चों को, आपने देखा प्लेटफॉर्म बन चुका है, यहाँ पर जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उसमें हम लोग स्किल डेवलपमेंट का एक टेस्ट कराएंगे जिसमें वो बच्चा अगर पास होता है तो हम उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके और यहाँ से नेक्स्ट जन की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत ट्रेन करेंगे अच्छे ट्रेनरों के द्वारा, प्रोफेशनल ट्रेनर से, और फिर यहाँ से आगे भेजेंगे। एक बहुत बड़ी पहल है। विगत दिनों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओलंपिक में, एशियन में, वर्ल्ड गेम में उन्होंने खिलाड़ियों से बात करना शुरू किया और पदक तालिका में हमारा स्थान आना शुरू हुआ, उस श्रृंखला में हमारे सिद्धार्थनगर के प्रशांत और शिवानी जो यहाँ से USA में सेटल हो गए हैं और उसके बाद उस आवाहन से फिर से लौट के अपनी कमाई से एक बड़ा यहाँ पे उन्होंने जेन नेक्स्ट का एक क्लब स्थापित किया जिसमें एक ओलंपिक करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पहल पूरे देश के लिए एक उदाहरण होगी। यहाँ से बच्चे निकलने वाले स्टेट में, नेशनल में, ओलंपिक में, वर्ल्ड्स में, एशियन में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं पूरे सिद्धार्थनगर की तरफ से प्रशांत, शिवानी
और उनके साथ जुड़े हुए लोग, क्रीड़ा भारती, अरुण जी, के एम लाल श्रीवास्तव जी, अमित जी, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक आकांक्षा जनपद सिद्धार्थनगर में ये इतना बड़ा क्लब ये लखनऊ दिल्ली में बना सकते थे, इससे फिनेंस भी उनको रिटर्न मिलता, लेकिन इन्होंने सिद्धार्थनगर के डेवलपमेंट के लिए, इस तराई के, पूर्वांचल के उन लोगों जिनको अवसर नहीं मिलता था उनको अवसर देने का काम कर रहे हैं। कोटसह साधुवाद, इनको बधाई, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ से निकली हुई प्रतिभाएं देश में विदेश में नाम रोशन करेंगे।